जॉब्स पैदा होंगे, हरित रोजगार बहुत विस्तार होने वाला है। आज हम देख रहे हैं कि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। दस साल पहले एक साल में सिर्फ 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे, एक साल में 2000, जबकि पिछले ही साल 17 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। पूरे देश में चार्जिंग स्टेशंस हो और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, और ई व्हीकल का इतना बढ़ाव होने वाला है। तो मैंने घर में भी, जैसे पीएम सूर्य घर से जोड़ करके घर में भी चार्जिंग स्टेशन और मुफ्त में ट्रैवलिंग, उस दिशा में भी हम बढ़ रहे हैं। इससे उभरते हुए सेक्टर से भी देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाएं बनने जा रही है। साथियों, भाजपा का संकल्प भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर्स का ग्लोबल हब बनाने का है। वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा, फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हब होगा, ऑटोमोबाइल हब होगा, सेमीकंडक्टर हब होगा, इनोवेशन हब होगा, लीगल इंश्योरेंस हब होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग कॉमर्शियल हब होगा। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी सेंटर्स भारत में होंगे। भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर्स, ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा हब बनेगा। स्पेस में भी हम एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में, विश्व में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे, और उसके लिए निश्चित रोड मैप से हम आगे बढ़ेंगे। और ये भारत के यूथ के लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। साथियों, आज विश्व में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण है पूरा विश्व। संकट के ऐसे समय में इन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। और जब दुनिया में इतना प्रकार के भांति भांति प्रकार के तनाव चलते हो, तूफान चलते हो, तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की आवश्यकता अनेक गुना बढ़ जाती है। ऐसी सरकार जो देश को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाए, ऐसी सरकार जो देश को विकसित भारत की तरफ तेज गति से ले जाए, और भाजपा इसके लिए संकल्पबद्ध है। आज आपने देखा है कि भाजपा का ये संकल्प पत्र, भाजपा का ये मैनिफेस्टो ऐसी ही एक सरकार की गारंटी देता है। भारत विश्व बंधु के तौर पर मानवता के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी देश हित में बड़े और कड़े निर्णय लेने से कभी पीछे नहीं हटती।
हमारे लिए दल से बड़ा देश है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम सीएए लेकर आए। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है। आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी, अब हम गगनयान का गौरव अनुभव करेंगे। अभी हमने G20 में दुनिया का भारत में स्वागत देखा, अब हम ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरी ताकत लगाने वाले। ये नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है, अब इसको रोकना असंभव है। इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में देशवासियों के समक्ष आशीर्वाद के लिए रख रहा हूं। 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को हकीकत में बुनने के लिए हम ये संकल्प पत्र लेकर के आए हैं। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि मां भारती के कोटि कोटि जनों के कल्याण के लिए, विकसित भारत के सपने को सिद्ध करने के लिए, इस संकल्प पत्र को लागू करने के लिए, तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद दें, हमारी शक्ति और बढ़ाएं। इसी एक प्रार्थना के साथ
देशवासियों का अभिनंदन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।